बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर लैंग्वेज टीचर इमरान शाह। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। टुडे इन दिस वीडियो नंबर 2 वी आर गोइंग टू डील विद द लेसन नंबर 3 एट द फार्म फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1। नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 23। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन से पहले आइए जानते हैं कि फार्म किसे कहते हैं। यह आमतौर पर शहर से दूर वो जगह होती है जो किसी गांव या देहात का खूबसूरत मंजर पेश करती है, जहां मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं और मुख्तलिफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर पाले जाते हैं जिनसे दूध, अंडे और ऊन हासिल किया जाता है। जैसा कि हम दी हुई पिक्चर में देख सकते हैं कि फार्म पर खेत में हल चलाने के लिए एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है। कुछ जानवर जैसे मुर्गियाँ, बिल्लियाँ, भेड़ें, गायें, घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि चंद बच्चे जो फार्म हाउस घूमने और सैरो तफरी करने आए हुए हैं घुड़सवारी करते और जानवरों के साथ खेलते देखे जा सकते हैं। ये जगह न सिर्फ एक सेहत अफजा मकाम की हैसियत रखती है बल्कि अक्सर लोगों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट भी होता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर एट द फार्म के इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो बी रेडी एंड लिसन मी आउट केयरफुली। ये चैप्टर एक फार्म के विजिट के बारे में है जिसमें यह बताया गया है कि आज इतवार का दिन है और बच्चे आज एक फार्म पर घूमने फिरने और सैरो तफरी के लिए आए हुए हैं। समी और निदा हल्की रफ्तार से घुड़सवारी कर रहे हैं जबकि मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। गायें गोदाम वाली बिल्डिंग में खड़ी घास चर रही हैं और कुछ मुर्गियां जमीन कुरेद कुरेद कर वाम्स यानी कीड़े तलाश कर रही हैं, तो एक जानेब कुत्ता बिल्लियों पर खड़ा भौंक रहा है। चंद मेमने यानी भेड़ के बच्चे खेत में खेल रहे हैं। किसान अपना ट्रैक्टर चला रहा है और ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चल रहा है। चैप्टर एट द फार्म की एक्सप्लेनेशन के बाद अब वक्त है रीडिंग का, बट हम रीडिंग से पहले वर्ड्स टू नोट डिस्कस करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली। हमारा फर्स्ट वर्ड है बार्न, मीन्स अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म फॉर कीपिंग क्रॉप्स और एनिमल्स। एक बड़ी इमारत फार्म वगैरह पर यानी फार्म हाउस वगैरह पर जहाँ फार्म बनाते हैं, और वो जगह ऐसी बिल्डिंग यानी जहाँ फसल और जानवर रखे जाते हैं। और सेकंड वर्ड इज़ फार्मर, मींस अ पर्सन हु ओन्स और लुक्स आफ्टर अ फार्म। इसका क्या मतलब हुआ, फार्मर हम किसे कहते हैं, किसान को। और थर्ड वर्ड इज़ फील्ड, मींस अ पीस ऑफ लैंड यूज फॉर एनिमल्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जैसे कि खेत जहाँ पर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, फसल उगाने के लिए और जानवर रखने के लिए। और फोर्थ वर्ड इज़ राइडिंग, राइडिंग मीन्स सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, घुड़सवारी करना यानी घोड़े की सवारी करना। और फिफ्थ वर्ड इज़ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मीन्स अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल दैट पीपल यूज ऑन फार्म्स। इसका क्या मतलब है बेटा, फार्म या खेत में इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी और मजबूत मशीनरी ज़मीन में हल चलाने के काम आती है। और सिक्स्थ वर्ड इज़ वॉर्म्स, मीन्स स्मॉल एनिमल्स विद लॉन्ग थिन बॉडीज एंड नो लेग्स। वॉर्म्स का क्या मतलब होता है बच्चों, लंबे और पतले बगैर टांगों के रेंगने वाले कीड़े जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एट द फार्म की एक्सप्लेनेशन और वर्ड्स टू नो डिस्कस करने के बाद और अब वक्त है रीडिंग करने का, तो आप सब मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और मुझे गौर से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट द फार्म, इट इज संडे, द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। इट इज संडे, द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस। दे आर गोइंग स्लोली, दे आर गोइंग स्लोली।
Maryam is playing with the kittens. Maryam is playing with the kittens. The cows are in the barn. The cows are in the barn. They are eating grass. They are eating grass. The chickens are looking for worms. The chickens are looking for worms. The dog is barking at the cat. The dog is barking at the cat. The lambs are playing in the field. The lambs are playing in the field. The farmer is driving the tractor. The farmer is driving the tractor. The tractor is going fast. The tractor is going fast. रीडिंग के बाद अब हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस के पेजेस डिस्कस करेंगे। यहाँ एक ख़ास बात आप सब नोट कर लें कि टेक्स्ट बुक के जिन पेजेस को मार्क यानी टिक का निशान लगाया गया है सिर्फ वही एक्सरसाइजेस आपने करनी हैं और अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखनी हैं। और यहाँ हमारे पास 5 पेजेस दिए गए हैं। दिस इज़ आवर पेज नंबर 1, दिस इज़ आवर पेज नंबर 2, this is our page number 3, this is our page number 4, and this is our page number 5. Textbook exercises के बाद अब हम workbook के pages को discuss करेंगे। यहाँ हमारे पास workbook के 3 pages दिए गए हैं और इसमें भी वही तरतीब है कि जिन वर्कबुक एक्सरसाइजेस को मार्क यानी निशान लगाया गया है आपने सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस को अपनी वर्कबुक में करना है। दिस इज़ आवर पेज नंबर 1, दिस इज़ आवर पेज नंबर 2, एंड दिस इज़ आवर पेज नंबर 3। थैंक यू बच्चों।